दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तूफानी बल्लेबाजी के बाद भी जेसन रॉय अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई तो भड़क गए जेसन रॉय। फिर गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने धोनी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो धोनी को चाहने वालों को कतई रास नहीं आएगा। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया जेसन रॉय ने, जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैल चुकी है। उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोनवे और रहाणे में से चेन्नई की जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता के मैदान पर धोनी को देखने के लिए पीला समुद्र उमड़ पड़ा था। मैदान था कोलकाता का, लेकिन पूरा मैदान धोनी के नारों से गूंजने लगा था। इसके बाद तो धोनी और उनकी सेना ने ऐसा चमत्कार किया जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां दोस्तों, कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला किस कदर गलत साबित होगा इसका अंदाजा नीतीश राणा को बिल्कुल भी नहीं था। जी दोस्तों, बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की ओर से रहाणे और कोनवे के बाद शिवम दुबे की आती सी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई ने 20 ओवरों में 236 रनों का विशालकाय लक्ष्य कोलकाता के सामने रखा। दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य को देखकर कोलकाता के पसीने छूट गए थे। चेन्नई की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी, लेकिन कोलकाता के फैंस को तो हार तब नजर आने लगी जब अय्यर और नीतीश राणा भी सस्ते में चलते बने। लेकिन कोलकाता के खेमे में अभी भी एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद था जो अकेले दम पर इस मुकाबले को पलट कर रख सकता था। यह दोस्तों, आईपीएल 2023 में पहली बार मैदान पर उतरने वाले जेसन रॉय के इरादे तो कुछ और ही थे। दोस्तों, रॉय ने मैदान पर आते ही तूफानी रुख अपना लिया और रॉय ने चेन्नई के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। और दोस्तों, देखते देखते वो मुकाबले में कोलकाता की वापसी करवा रहे थे। उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 61 रनों की पारी खेली थी। लेकिन तभी धोनी ने बॉल थमाई महेश तिक्षणा के हाथों में और इस गेंदबाज ने जेसन रॉय को 61 के स्कोर पर चलता कर दिया और कोलकाता की जीत की सभी उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। इसी बीच रिंकू सिंह ने भी कोलकाता को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और अंत में चेन्नई ने 49 रनों से इस मुकाबले को फतेह कर लिया। इसके बाद तो दोस्तों, जहां धोनी की हर तरफ तारीफ हो रही है तो वही रॉय ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। तो आखिर क्या कुछ कहा रॉय ने, चलो आपको बताते हैं। दोस्तों, रॉय ने कहा, जिस तरह से हमारे पास बल्लेबाज थे, लक्ष्य को हासिल करना उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन धोनी ने अपने गेंदबाज को इस तरह से इस्तेमाल किया कि हमारे बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर धोनी ऐसा कैसे कर लेते हैं। ये वाकई में हैरत अंगेज है और आज तो मैं भी धोनी को मान गया। हमारी टीम कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम से अच्छी थी, लेकिन हम इतनी बुरी तरह से हारे जिस पर भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, रॉय के इस बयान ने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला के रख दी है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी इस बार चेन्नई को विजेता बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।